जिन्होंने इतना नाम कमाया है कि अगर उनके, मेरा बेटा का खुद का डॉक्टर है, वो अभी एमडी की माने जस्ट कंप्लीट किए हैं, मेरा बेटा खुद मेडिकल अफसर है। बट मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इस होम्योपैथ पुरोधाओं के कारण, इस होम्योपैथ के जगत के नामी हस्ती के कारण, बहुत सारे जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उनके कुछ ना कुछ तो दुकान बंद हुई है, प्लीज माइंड नहीं करेंगे। सो दिस इज होम्योपैथ। और सर मैं कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं, मैं एलोपैथ के विरुद्ध नहीं हूं, मैं ये नहीं, हमारी दवा की भी फैक्ट्री है एलोपैथ की, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाह रहा, मेरे होम्योपैथ की दवा की फैक्ट्री है, मैं वो उसके बारे में एकदम नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां भी मैंने इतनी सटीक हमारे पास हैनीमैन साहब को, सर मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हैनीमैन साहब हमारे जो पुरोधा है उनके नाम पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। मैन द फाउंडर डॉक्टर हैनीमैन साहब, उनकी आत्मा अमर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप बर्निंग मैक्यूरेशन का नाम हम लोग लेते हैं, इमीडिएट आप लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ठोक देते हैं और बहुत सारी मेडिसिन ठोक देते हैं। मैं कहता हूं आ जाओ कैंसरी 30 ले लो, 3 बार ले लो और आधा घंटा में आके बताओ, क्या मैं गलत हो गया? दिस इज होम्योपैथ। 15 मिनट, आधा घंटा बस हो गया, उसके बाद सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन हम लोग देते हैं। मैं कहना चाहूंगा सर कि आप जहां पे भी स्टोन होता है वो तुरंत आप लोग क्या करते हैं, क्या कि इमीडिएट आप कहते हैं गो फॉर द ऑपरेशन। मैं कहता हूं डोंट गो फॉर द ऑपरेशन, आप हमारा स्टोन प्लस ले लो, आप बर्बेडिस बुल्गेरी ले लो, उसके साथ उसमें ऑलरेडी डाला हुआ लेने की आवश्यकता नहीं है, और 6 mm 8 mm का अगर स्टोन प्लस है आप उनको गारंटी के साथ जो है अभी अल्ट्रासाउंड कराओ और 21 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराओ, नहीं हो तो डार्क कंपनी पे केस हो। तो खासकर ये होम्योपैथ जो पुरोधाओं, आज जो हम यहाँ पे साहस किए हैं कि मैं आप लोगों को एक मंच पे लाऊं, एक मंच पे मैं बुलाऊं, इसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने 27 सालों से अनवरत मेहनत किया है होम्योपैथ को। आज जो आप लोग यहाँ पे है, आज हमारा साहस कितना ऊंचा है, आप लोग नीचे से पिक करते हैं डॉक्टर गो अहेड आई एम विद यू, तो मैं 27 साल में आप सोच सकते हैं कितने झंझावात मैंने झेले होंगे। और आज जो आप लोग यहाँ पे इसी सब झंझावात को, इसी सब इतने स्कॉलर डॉक्टर्स को मैं देखने पे हमारा मन इंकरेज होता है, हमारा मन गौरवान्वित होता है। और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि बिहार होमियो रतन के बाद अब हम लोग जो है वो विदेश की धरती पे हम तमाम जेम्स को बुलाए और इंटरनेशनल होमियो रतन से सम्मानित करें। तो ए बिग हैंड नॉट ओनली फॉर डाल बट ए बिग हैंड फॉर ऑल द इंटरनेशनल होमियो रतन। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, इट्स अ वेरी मोमेंट दैट आई कांट सी माय हार्ट, मतलब मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, इतने सारे आदमी जो है ना वो इंटरनेशनल होमियो रतन से सम्मानित किए जा रहा है। मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट करने में हमें क्या लगा है, कितने मैंने परेशानी झेला है, बट आप सबको जब आप ये करेंगे, जब आप गौरव की अनुभूति करेंगे और वो गौरव की अनुभूति में कहीं ना कहीं डाल फैमिली आएगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, आपका 6 दिन लेने के लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन गौरव भी होती है और गौरव इसलिए होती है कि सब लोग ये अवार्ड नहीं पा सकते हैं और आप लोग उनमें से एक हैं। सो वंस अगेन मैं सारे पुरोधाओं को, सारे अचीवर को, सारे ग्रेट सोल को और एक ग्रेट साइंटिस्ट को, आप सोचिए क्या होता है, जैसे ही आप लोग क्या होता है, डॉक्टर डीएन यादव सर क्या करते हैं, कोई पर्सन आता है उनके चलने के स्टाइल से समझ जाते हैं कि मेडिसिन कौन सा मांग रहा है। डॉक्टर जगदो महतो साहब को पता है, डॉक्टर कामरान सर को पता है, सारे जो जितने यहाँ डॉक्टर हैं उनको पता है कि इफ दैट पर्सन यहाँ आ रहा है, यहाँ चेहरे पे जो है रुझाई हो गया, अच्छा बेटा तुमको कॉन्स्टिपेशन है, जी सर आपको कैसे पता लगा? सर मैं उसी का साइंटिस्ट हूं। तो आप लोग चेहरा देख करके पता लगाते हैं कौन कब्जियत का पेशेंट है, किसको गैस हो रही है, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात आप मेडिसिन पे सो रिसर्च करते हैं, सो द रिसर्चर द ग्रेट शोल्ड ऑल ऑफ यू होम्योपैथ, नमन है आपको और वेलकम टू दिल्थ केयर। और मैं आपको सम्मान का एक
छोटा सा ये करना चाहता हूँ, हमारी छोटी सी कोशिश है होम्योपैथ में कि आपको इंटरनेशनल होम्यो रत्न से सम्मानित करूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं 2 मिनट समय और लेना चाहूंगा, इजाजत है? सर, मैंने 1997 में ये कंपनी स्टार्ट करी थी, उस समय नाम दूसरा था। बहुत सारे जब मैंने एमएससी किया और एमएससी करके जब मैंने ये स्टार्ट किया तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड किया कहा करते थे क्या ये होम्योपैथ में गोली वाला है। उस समय बहुत झंझावात था, 1997 का सोचा जाए उस समय कितनी परेशानी हम होम्योपैथ कंपनी में झेले होंगे। तो बहुत सारे लोग कहते थे क्या ऐसा फालतू फालतू सब स्टार्ट किए हुए हैं, है ना। और आज आग मूंद के कहता हूँ कि जो जो पर्सन जो जो हमारे कलीग आपके कहते थे कि ये क्या स्टार्ट किए हुए है, वो आपके है ना, वो इंचार्ज का काम करते हैं। नहीं, नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज होम्योपैथ, दिस इज ऑल द होम्योपैथ। सो सर, मैंने 1997 से स्टार्ट किया, उस समय बहुत सारा ये पोजिशन नहीं था, ये आती नहीं था, है ना, और इतना बहुत मुश्किल थी। आज तो बहुत सारा हम लोग वो झंझावात आप लोगों ने दूर कर लिया तो आज हम लोग यहाँ पे है, बट उस समय बहुत झंझावात था। और धीरे 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 मैंने यहाँ तक लाया, और एक हमें बहुत ही झटका लगा। वो झटका कब लगा, 2016 में, जब हम लोग ये कहा जाता है कि बच्चा जब 21 साल का हो जाता है तो माँ बाप जो है ना वो थोड़ा सा गौरव का अनुभूति करते हैं कि अब हमारा बेटा जो है ना यूपीएससी पास किया है, अब हमारा घर में बिल्डिंग बनेगा और अब हमारे घर में ये सब कुछ होगा। उसी समय नीतीश गवर्नमेंट ने होम्योपैथ को एक बहुत तगड़ा झटका दिया, और ऐसा झटका दिया जिसके कारण जो है होम्योपैथ पूरी तरह से चरमरा गई और साथ ही साथ गर्त में चला गया आपकी कंपनी, और उसे भी गर्त में उस समय गया जब हमने एक गलत डिसीजन लिया एक किसी एजेंट्स के कहने पे, और मैं रांची चला गया और वो करोड़ों की कंपनी जब मैं वहां से लौटा तो आपकी जीरो में बदल चुकी थी। मैं काफी कर्ज में डूबते चला गया, मैं 5.5 करोड़ के कर्ज में डूब गया। हमको ऐसा लगता था कि शायद उस समय जब हमको पीक पे होना चाहिए था, जो कि मैंने सारा काम कर लिया था, उस समय जब हमको पीक में लगना चाहिए था तो उस समय मैं एकदम निगेटिव में चला गया। तो मुझे ये कहते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि उस समय बहुत सारे डॉक्टर्स ने जब मैं मिलने गया तो मेरा हाथ थामा, उन्होंने कहा स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ हूं। मैं याद करना चाहूंगा और मन से कहना चाहूंगा डॉक्टर जगदेव सर, आपने ना केवल स्टार्ट करवाया बल्कि आके भरे मन से आपने एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट जो था वो मिनिमम 25,000 का चेक था और एक लाइन कहा, डॉक्टर मैं आपके साथ हूं, आप आगे बढ़िए। सो वेरी बिग डॉक्टर, 2500 डॉक्टर्स ने आपको, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को मैं याद करना चाहूंगा, 2500 डॉक्टर्स ऐसा थे जिन्होंने कोई 5 लाख तो कोई 3 लाख कोई कुछ भी, मतलब जो जिस समय जैसा हो उन्होंने कहा कि आप बस स्टार्ट कीजिए और बाकी का आप हम पे छोड़ दीजिए। वो क्षण था, आज के बाद 2 साल हुआ है, मेरा हार्टिएस्ट सॉल्यूशन है डॉक्टर संतोष कुमार सर बेगूसराय को, जिन्होंने लगभग 6-7 महीनों में माने 5-6 लाख रुपए का मेडिसिन लेकर के डाल को इतना सहयोग किया हमारा हार्टिएस्ट। मैं मालाकार साहब को याद करना चाहूंगा जो 6 महीना में 10 लाख रुपए का मेडिसिन लिया है सर, प्लीज आप डॉक्टर मालाकार साहब, बाकी जितने भी यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं धन्यवाद सर, वो सारे लोग मैं याद करना चाहूंगा हमारे सुनील सर को। इन्होंने बस केवल इतना ही कहा, आप चलिए ना मैं साथ में हूं आपके। सर आप हमारे सीनियर हैं,
आप हमारे बड़े भाई के योग्य, बट आप चलिए ना, मैं पीछे से गेमिंग नहीं दूंगा, जो कहेंगे वो सब मैं करूंगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब प्लीज आप आइए और आप हमें इतना बस ये करिए कि मैं इंटरनेशनल होमियो रतन को करना चाहूंगा, आप प्लीज एंड प्लीज। हो सकता है कि हमारे जब क्या होता है कि लड़का कमजोर होता है तो उनके वाणी में दम नहीं होता है, क्या मैं गलत हूं क्या? तो हमारे वाणी में दम नहीं था, तो मैंने आप जैसे सारे पुरोधाओं को पकड़ा और बहुत सारे पुरोधाओं को पकड़ा और कहा कि अभी हमारे वाणी में वो ओझ नहीं है, हमें भीतर से साहस नहीं हो रही है डॉक्टर नीतीश जी के पास जाने का कि डॉक्टर साहब मैं आपको 5 लाख रुपए का मेडिसिन भेज रहा हूँ, 5 लाख रुपए दे दीजिए। मैं खाते हुए लड़खड़ाता था कि कहाँ मैं करूँगा, कहाँ चला गया। तो डॉक्टर सुनील सर को मैंने कहा, इन्होंने तुरंत मेरे हाथों में हाथ दिया और कहा कि आप सर करिए, मैं आपके साथ हूं। और जब कोई तकलीफ में और कोई अति में जब कोई हाथ पकड़ लेता है ना, तो मैं आप समझ नहीं सकते हैं, आंखों से बोली निकलती है। सो मैं इनके लिए लॉ